जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरशंकर रेलवे टेक थ्री में। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के विषय पर। जैसे कि आप लोगों को पता है, जितने भी दोस्त या मेरे भाई ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किए हैं उसका एग्जाम अप्रैल महीने से संभावित दिया गया है। तो हमारे पास लगभग 80 से 90 या 100 दिन हमारे पास है। तो इस 100 दिन में, इतने कम दिन में, हम किस तरह तैयारी करें ताकि अपने एग्जाम में हम अपना 100% दे सकें। जैसे कि आपको मैं बता दूं, मैं भी इस पेज से गुजर चुका हूं। मैंने भी 2018 में ग्रुप डी और टेक्नीशियन दोनों का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया। पहले तो मैंने ग्रुप डी को ज्वाइन किया, वहां पे 11 महीना मैं काम किया। फिर इसके बाद जब मेरा टेक्नीशियन में फाइनली जनरेटर आ गया तो मैं रिजाइन देकर टेक्नीशियन में ज्वाइन कर लिया। अभी मैं वर्तमान में कानपुर में इलेक्ट्रिक लोको सेल में हूँ। चलिए हम अपने अनुभव के आधार पर आपको बताएंगे कि ग्रुप डी में प्रत्येक सेक्शन को कैसे कवर करें, क्या करें ताकि एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ग्रुप डी में सबसे पहले हम बात करें कि ग्रुप डी में किस किस सेक्शन से कितना प्रश्न पूछा जाता है या पूछा जाएगा। 2018 के एग्जाम में ये फिक्स नहीं था कि, जैसे कि मैं मैथ को ले लेता हूँ, मैथ में ये फिक्स नहीं था कि 25 या 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ ये बताया गया था कि मैथ में इस चैप्टर से प्रश्न आएंगे। लेकिन इस बार रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि मैथ में 25 प्रश्न, रीजनिंग में 30 प्रश्न, जीएस में 25 प्रश्न और करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चारों विषय पर हम बात करेंगे कि इस चारों विषय को कवर कैसे करें। जो दोस्त या मेरे भाई चारों विषय को कवर कर लिए उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो कवर नहीं कर पाए हैं तो उसके विषय, उसके बारे में हम बात करेंगे कितने टाइम में, कितने कम टाइम में कैसे कवर करें। तो चलिए सबसे पहले हम मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी दो भाग, मैथ को भी दो भाग में बांटा गया है, एक अर्थमेटिक, दूसरा एडवांस। अधिकतर प्रश्न अर्थमेटिक से ही रहते हैं, लगभग 15 से 18 क्वेश्चन अर्थमेटिक से रहते हैं और 5 से 8 क्वेश्चन एडवांस से रहते हैं। जो मेरे दोस्त या भाई चैप्टर को कवर कर लिए हैं तो वो क्वेश्चन बैंक से अपना चैप्टर को सॉल्व करें, लेकिन जो मेरे भाई क्वेश्चन को, मतलब चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रत्येक चैप्टर को, एक दिन में एक चैप्टर को लेकर उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि हो सके तो आप YouTube का सहायता ले सकते हैं उस चैप्टर को सॉल्व करने में, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। YouTube पर बहुत सारे सर का वीडियो है, तो किसी भी एक सर को फॉलो करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने भी, मुझे भी कोई डॉट आता था तो मैं भी YouTube का सहारा लेता था। मैंने क्या कहते हैं, विपिन सर को फॉलो किया था। यदि आप लोग चाहें विपिन सर को फॉलो करें या किसी और सर को फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं कि अर्थमेटिक में किस मेन मेन चैप्टर कौन है, किससे अधिक प्रश्न पूछ जाते हैं। तो नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछ जाते हैं। इसके बाद होगी आपको SICI, औसत, परसेंटेज, लाभ हानि, स्पीड टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न, LCM, SCF, इस सबसे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्र संबंधित क्वेश्चन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सबको भी एक बार अच्छी तरह से देख लेना और कवर कर लेना। कवर कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक को से प्रैक्टिस करेंगे। जो पिछले ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था उस, वो क्वेश्चन बैंक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसी तरह हम एडवांस पर्सन को भी, यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप क्वेश्चन बैंक या यूट्यूब का सहारा लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ग्रुप डी के एग्जाम में जो है हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जैसे कि CGL बैंक में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस लेवल का इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसमें लेवल लो रहता है। लेकिन आपको सिंपल प्रश्न आना चाहिए तो ही आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो कवर क्वेश्चन को क्या कहते हैं, चैप्टर को कवर कर लें, फिर क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करें। सेकेंड नंबर बात करें तो सेकेंड नंबर पर रीजनिंग आता है। इसमें ये रिजल्ट में महत्वपूर्ण भाग निभाता है, क्योंकि इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जिन भी दोस्त को यदि किसी चैप्टर में डाउट है तो आप पहले आप क्वेश्चन में क्या कहते हैं बुक से उसको अच्छी तरह समझ लें, उसको सॉल्व करें,
इसके बाद क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करें। यदि कोई प्रॉब्लम होती है आप यूट्यूब पर देख लें, यूट्यूब पर बहुत सारे सर के वीडियो हैं, देख लें और उसे सॉल्व करें, क्योंकि 30 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, 30 नंबर का रहता है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य चैप्टर होते हैं कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद हो गया कोडिंग डिकोडिंग के बाद हो गया आपको कैलेंडर, इसके बाद हो गया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से एक या दो क्वेश्चन रहते हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, ब्लड रिलेशन, इसके बाद हो गया नंबर सीरीज हो गया, इस सबसे क्वेश्चन अधिकतर रहते हैं। तो पहले आप क्या कहते हैं बुक से हल कर ले, इसके बाद आप क्वेश्चन बैंक पर ध्यान दें। अब बात करें साइंस की, तो साइंस की तैयारी के लिए जो तैयारी कर ली है, मतलब अच्छी तरह से पढ़ ली है, उसके लिए अच्छी बात है। जो भाई साहब भाई या दोस्त अच्छी तरह से तैयारी नहीं किए, तो वो लुसेंट का बुक रेलवे के लिए सबसे लाभदायक है। लुसेंट की बुक से आप साइंस पोर्शन को अच्छी तरह से पढ़ लें, प्रत्येक चैप्टर को पढ़ लें अच्छी तरह से। इसके बाद लुसेंट का एक आता है क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो उसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें। लुसेंट में क्या कहते हैं साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर सेक्शन से भी क्वेश्चन दो या तीन रहता है, तो कंप्यूटर सेक्शन को भी अच्छी तरह से पढ़ लें। इसमें लास्ट और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये करेंट से जो भी वर्तमान में जो घटित हो रहा है, 2020 का भी जितना भी करेंट है, 20 का अधिकतर पूछा जाता है, 1918 में भी जाता है लेकिन अधिकतर 20 का पूछा जाएगा। तो आप 20 का क्वेश्चन करंट अफेयर्स अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके बाद आ गया जनरल अवेयरनेस, इसमें आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आता है। इस सबसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग तैयारी किए होंगे जीएस का, जीके का, तो उसमें से क्वेश्चन आ ही बन ही जाएगा। तो मेनली आप लोग को मैथ, रीजनिंग और साइंस पर फोकस करना है और करंट अफेयर फोकस करना है। जनरल अवेयरनेस पर भी अधिक ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप लोग यदि पढ़े होंगे, एक बार भी पढ़े होंगे, तो वो क्वेश्चन बन ही जाएगा। यदि आप चारों को यदि कवर कर लेते हैं, तो फिर आप पैटिक सेट से पैटिक सेट को बनाने का प्रयास करें। आजकल ऑनलाइन भी हो गया है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, इसमें आपकी जो भी इच्छा हो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, करके अच्छी तरह से तैयारी करें। यदि आप लोग को और कुछ जानना हो एग्जाम के बारे में, यदि आप लोग को कोई मैम से कोई क्वेश्चन पूछना हो या प्रश्न पूछना हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, या हम इंस्टाग्राम के आईडी दे देंगे लिंक में डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर फॉलो करके हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपका उसका यदि आप कोई कुछ मैसेज करेंगे, तो हम उसका आप जवाब आपको दे देंगे। तो अब यदि आप लोग को वीडियो से कोई भी आइडिया आया हो तैयारी कैसे करें, इतने कम दिन बचा है कि ताकि हम एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकें, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको अगला जब वीडियो कोई बनेगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।